तेलंगाना सरकार द्वारा बीती 4 अगस्त को प्रदेश के जिला सिरसा में गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा था और मौजूद श्रद्धालुओं में से इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिला। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे। इस अवसर पर अर्थप्रकाश संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। चलिए आपको कार्यक्रम के कुछ खूबसूरत पल दिखाते हैं। जैसे आप हम जानते हो कि ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है हरियाणा सरकार गुरु नानक देव जी के प्रकट उत्सव पर 550वां स्थापना दिवस मना रही है और हमारे बीच में श्रोमणी अकाली दल बादल जी के एम एल ए स्कारिया वाले से बहुत शुक्रिया बिल्कुल शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हो सरकार इतना बड़ा काम कर रही हर एक स्टेट के बीच और हर बच्चे भी फैसला लिया कि श्री गुरु नानक देव जी को आप भी गुरबाणी में समर्पित होकर गुरु नानक देव जी महाराज जी के उपदेश में समर्पित होकर उन्होंने जी याद है उन्होंने उपदेशों को याद करिए उन्होंने याद मनाइए। अज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 550 साल हरियाणा सरकार ने श्री मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने फैसला करके अब जो मनौना किया है भारी संगतों के बहुत बड़ा उत्साह है कि पिंडा जो चल के आके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उनका स्वस्थ हो रही ने अज उन्होंने महान दिन जो कि युग पलटाऊ महापुरख गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अब उन्होंने प्रकाश उत्सव को लेकर हरियाणा सरकार मना रही है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आई हैं बड़ी खुशियां प्राप्त कर रही शायद वो आ सकते हैं पर जो हरियाणे के जो सीनियर भी प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रघुजीत सिंह जी मैम जी वो पहुँच रहे हैं सिंगर कर रहे हैं और जो साढ़े जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और जथे श्री आज के उपलक्ष्य में संदेश मेरा नहीं संदेश तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सारी लुकाई में सारी मनुखता में जोड़ा दिता है उन्होंने असं अच्छ मना वास्ते याद करने वास्ते और दृढ़ता के नाल असं जो उस देश के उत्ते पहरा देिए जोड़ा कि साड़ा पर्यावरण नशे समाजिक कुरीतियां जोड़िया साढ़े तक जो आ रही ने उन्होंने दूर करके गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दिखे संदेश उपदेश मना के अपने जीवन में होर आले दुआले साफ सुथरा से वधिया बना सके। तो प्यारे भाई बहनों ये हमारे बीच में सरदार प्रकौर सिंह जी एम एल ए कलियां वाली श्रोमणी अकाली दल से थे। जैसे आप लोग जानते हो कि हरियाणा सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला किया है जो यहाँ पर समागम किया है यहाँ पर सिरसा के अंदर गुरु नानक देव जी के प्रकट उत्सव पर 550वां जन्मदिन मना रहे हैं बहुत धूमधाम के साथ। हमारे बीच में अपने सरदार बची सिंह विरक जी हैं जो एम एल ए हैं संत से विरक साहब कैसा महसूस कर रहे हो आज अज गुरु नानक देव जी की जयंती से 550 साल प्रकाश पर्व के उत्ते सिरसा की इस पवित्र धरती के उत्ते अज लखां की तादाद में अज सिख संगत आके इतने नतमस्तक हो रही ने तो उन्होंने को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अज इन्नी वड्डी खुशी की गल है कि गुरु नानक देव जी के इस जयंती अवसर के उत्ते पहली बार मौका मिला है कि हरियाणे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रकाश पर्व को मनाने वास्ते एक स्टेट लैवल पर एक कार्यक्रम किया है। इस तो पहलों असी 350 साल गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती भी मनाई थी असी हुण उस तरह के उत्ते ही 550 साल मना रहे हैं और सब तो वड्डी खुशी की गल है कि सानू इस इलाके की साध संगत ने ये बड़ा वड्डा सहयोग किया है। इतने हर थान के वक् वक् स्टाल लगे हुए हैं हर हर महापुरशों ने वक् वक् थान के लंगर लगाए हुए ने बड़ी संख्या हरियाणे के वक् वक् कोने के उत्तों भी संख्या भारी तादाद पहुँची हुई है एदू वी खुशी होती हो सकती है। साहब आप हमें ये बताइए कि इस प्रोग्राम में एच जी पी सी के भी अपने प्रधान बुलाया गया है हमारा प्रबंधक कमेटी है और क्षेत्रों से कौन कौन से लोग आए। देखो हमने की विशेष ये कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम नहीं बनाया हमने सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों को सभी को हमने निमंत्रण दिया है चाहे एस जी पी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी मुंगोवाल हैं उनको भी निमंत्रण दिया है हमने दूसरी पार्टी में जो आगे लोग हैं उनको भी हमने हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया है हमने हरियाणा कमेटी के जो हमारे मेंबर हैं सारे उनको
को भी यहाँ पर हमने निमंत्रण देकर बुलाया, हमने किसी को चुका नहीं है। और बाहर से पटना साहब से जो ज्ञानी इकबाल सिंह जी, पटना साहब से हमारे ज्ञानी इकबाल सिंह जथेदार जी, वो भी आए हुए हैं। हमें सभी स्टेटों से सम्मान मिल रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षक संघ के दिल्ली वाले हमारे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज देख रहे हैं आप, रौनक मेला बढ़िया है। आज वक् वक् जगह तो आके सारे सारे किन्ने खुश होकर जा रहे हैं। पर सब तो वीडी ने मैं उन्होंने बधाई देना प्रशासन वाले कि जेडे प्रशासन वाले ने बड़े जिम्मेवारी के बड़े तरीके सारे कार्यक्रम ये निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में सरदार मुंशी सिंह विरक जी थे, MLA संघ से हैं डॉक्टर स्वास्थ्य। अरे भाइयों बहनों, हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के श्री मनीष सिंगला जी हैं, युवा नेता, और इन्हीं के यहाँ पर शिक्षा के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से। आज 450वां श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज आपने देखा बाहर किस तरह से लोगों का हजूम था। जब भी कोई सरकार एक अच्छा काम करती है तो लोगों के अंदर हजूम होता है, उत्साह होता है। और हमारे बीच में युवा नेता मनीष सिंगला जी हैं। सिंगला जी, कैसा महसूस हो रहा है? आज सिरसा की जनता का और सिरसा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि धन गुरु बाबा नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव सिरसा की धरती पर मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान करने वाले श्री मनोहर लाल जी खट्टर को तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। आज सिरसा पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जैसे दिवाली का माहौल हो ऐसा माहौल बन गया है पूरे शहर में। ऐसा सुंदर टेंट और ऐसी सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो देखने को ही बनती है। हर आदमी जो है पूरा उत्साहित है। मैं इसके लिए बार बार सरकार का भी धन्यवादी हूँ और सारे सिख समाज का, जो उन्होंने ये मान सम्मान सरकार को भी दिया यहाँ करने का, इसके लिए मैं तय दिल से उनका आभारी हूँ। तो आप कैसा महसूस करते हैं, पंजाब से भी बुलाए गए हैं, किसी से अध्यक्ष बुलाए गए हैं और स्टेटों से लोग आए हैं यहाँ पर, अकेला हरियाणा का ही है? गुरु नानक देव जी जगत गुरु थे, वो सिर्फ सिख धर्म के ही नहीं सब धर्मों के गुरु माने गए। क्या प्रोग्राम में प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान से ही लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, इधर उत्तरांचल से भी आ रहे हैं, हिमाचल से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, आसपास के सब प्रांतों से लोग आ रहे हैं काफ़ी संख्या में। लोगों में बहुत उत्साह और बहुत खुशी है। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और बहुत सुंदर जो है इसकी व्यवस्था है और सारे लोग खूब खुश हैं मन से अंदर से। भाइयों बहनों, आज इस वक्त हम सिरसा के अंदर और हरियाणा सरकार ने जो आज यहाँ पर गुरु नानक देव जी के जन्म से प्रकाश उत्सव मना रहे 550वां, आज हमारे बीच में एक जीवित है MLA साहब एक घनश्याम शराब की पानी से हमारे बीच में मौजूद है। शराब साहब, उसमें ये
ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਦੇ ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।